कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में छाएगा काफी घना कोहरा, तो कल असम और मेघालय में भी घना कोहरा छाने के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दो दिन चलेगी तेज शीतलहर, वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी शीतलहर की संभावना। दो दिन उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में दिन रहेगा सबसे ठंडा, बिहार में भी कहीं कहीं दिन ठंडा रहने का अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज और कल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं छाएगा काफी घना कोहरा। दो दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना। असम में दो दिन और मेघालय में कल कहीं कहीं घने कोहरे का है अनुमान। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का स्थानों पर छा सकता है घना कोहरा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो दिन कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने की संभावना। आज बिहार के इक्का दुक्का हिस्सों में काफी घना कोहरा छा सकता है। राजस्थान के भी इक्का दुक्का इलाकों में छाएगा काफी घना कोहरा। दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में कुछ जगह चलेगी तेज शीतलहर। उत्तरी मध्य प्रदेश में आज और राजस्थान में दो दिन इक्का दुक्का इलाकों में शीतलहर की चलने की संभावना। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कल कहीं कहीं बरसात हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह वर्षा हुई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में बरसात हुई। केरल और लक्षद्वीप में इक्का दुक्का हिस्सों में बादल बरसे। अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं पानी बरसा। तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में पिछले 24 घंटों के दौरान छाया रहा घना कोहरा। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। कोंकण, गोवा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। मराठवाड़ा के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। मणिपुर के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत हरियाणा में कई स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। लक्षद्वीप के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के रत्नागिरी में 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। झारखंड में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान राजस्थान के सीकर में 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि देश भर में दो दिन कैसा रहने वाला है बारिश का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। दो दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा की संभावना नहीं है। इसके अलावा दो दिन हरियाणा और दिल्ली में वर्षा के आसार नहीं है। दो दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में दो दिन बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगेय पश्चिम बंगाल में दो दिन पानी नहीं बरसेगा। आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना है। दो दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो दो दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होगी। छत्तीसगढ़ और सौराष्ट्र कच्छ में दो दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में दो दिन, गुजरात और विदर्भ में वर्षा की संभावना नहीं है।
कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में दो दिन बारिश नहीं होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। आज और कल तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। दो दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में वर्षा नहीं होगी। केरल और लक्षद्वीप में दो दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात हो सकती है। दो दिन अंडमान निकोबार में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में बरसात हो रही है और इस बरसात को देखते हुए वहां के किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त अपने खेतों में करने हैं और किस तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, आइए तमाम बातें जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। पश्चिमी तमिलनाडु में समय 5 महीने के हो चुके केले के पेड़ों को सहारा दे, इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में हल्दी, काबुली चना और धान में रोगों और कीटों के लगने की संभावना है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। तमिलनाडु के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में फसलों को पाले से बचाने के लिए पौधों के चारों तरफ मल्चिंग करें। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में जहां धान के बीज तैयार है वहां उनकी रुपाई कर ले। इसके साथ ही इस इलाके में तैयार अदरक और हल्दी की खुदाई कर ले। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में ही इस समय केले में रोगों के लगने की संभावना है, किसान इसकी निगरानी करते रहे। तटीय कर्नाटक के किसान सुपारी और नारियल के बागों में मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। इसके साथ ही सुपारी को ठंड से बचाने के लिए उनमें सिंचाई करें। तटीय कर्नाटक के किसान इस समय मूंगफली के अलावा भिंडी, बैंगन, चौलाई, पालक, तोरी, खीरा, करेला और अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई जारी रखें। यही समय बेला के बागों में कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है, किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूंगफली, तरबूज और खरबूजे की बुआई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ गेहूं, काबुली चना और कुसुम में से खरपतवार हटाएं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ही अगेती कपास और मिर्च अब तैयार है, किसान समय से कपास की चुनाई और मिर्च की तुड़ाई करें। केरल के मध्यवर्ती इलाके के किसान काली मिर्च को रोगों से बचाएं। इसके साथ ही उत्तरी केरल में इस समय केले की पत्तियों में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, ऐसे में बचाव के लिए किसान प्रभावित पत्तियों को काटकर उसे जला दे। वहीं दक्षिणी केरल में चौलाई की बुआई कर ले। ये तो बात हुई खेती किसानी की, अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम आपको जानकारी देते हैं शिमला मिर्च की रोपाई के बारे में। कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने शिमला मिर्च की खेती की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस वक्त उसकी रोपाई का उचित समय चल रहा है। तो कैसे आपने करनी है उसकी रोपाई, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है।
सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सका है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। उत्तरी गुजरात के किसान गेहूं और सरसों में निराई गुड़ाई करें। उत्तरी गुजरात में तरबूज की बुआई इस वक्त किसान कर सकते हैं। यहां पपीता और बेर की तुड़ाई के अलावा कपास की चुनाई भी करें। उत्तरी गुजरात में ही किसान आलू को रोगों से बचाने के उपाय करें। दक्षिणी गुजरात में धान की नर्सरी लगाने का काम पूरा कर लें। दक्षिणी गुजरात में किसान जिमीकंद की खुदाई कर लें। मध्य गुजरात में इस समय गेहूं को रोगों से बचाएं। यहां पर केले को तेज हवा से बचाने के लिए उसके आसपास ढांचा लगाएं। पूर्वी राजस्थान के मैदानी इलाकों में पपीते को रोगों से बचाएं। दक्षिणी राजस्थान में प्याज को कीटों और रोगों से बचाएं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जो लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। कोंकण के किसान अरहर की कटाई करते रहें। कोंकण में ही इस समय काजू को कीटों से बचाने के उपाय करें। मध्य महाराष्ट्र में मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करें। कोल्हापुर में
खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। मराठवाड़ा में इस समय अरहर की कटाई जारी रखें। मराठवाड़ा में केले को रोगों से बचाने के उपाय करें। विदर्भ में किसान फिलहाल रबी धान की नर्सरी लगाते रहें। सौराष्ट्र और कच्छ में गेहूं, अरहर और अरंडी में सिंचाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में जीरो को कीटों से बचाएं। बचाव के लिए प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। दो दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं दिन रहेगा सबसे ठंडा। बिहार में दो दिन इक्का दुक्का हिस्सों में दिन रहेगा सबसे ठंडा। दो दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर दिन रहेगा सबसे ठंडा। आज पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं पाला पड़ने की है संभावना। तमिलनाडु और पुडुचेरी में दो दिन इक्का दुक्का हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार। दो दिन केरल और लक्षद्वीप में कहीं कहीं तेज बरसात का है अनुमान। आज कॉमन क्षेत्र में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मन्नार की खाड़ी में आज 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की दी गई है सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले चार दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। किसान भाइयों बहनों, इसके साथ ही मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।